The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. There are so many videos around jo we immune system ke bare mein aapko batane ki koshish करेंगे कि इम्यून सिस्टम ऐसे काम करता है, इम्यून सिस्टम वैसे काम करता है और इम्यून सिस्टम इस चीज़ से बढ़ जाएगा, आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो. बट एक्चुअली व्हाट इज़ द ट्रूथ, व्हाट इज़ द फैक्ट और झूठ क्या है, मिथ क्या है, राइट? क्यों आपका बार बार आपको कोल्ड कफ, एलर्जीज, क्यों बार बार आपको फ्लू हो रहा है, क्यों आपका इम्यून सिस्टम वीक है? टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. राइट, सो योर इम्यून सिस्टम इज अ फ्रेंड, हम सब जानते हैं. वो आपको प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से, सपोर्ट देता है आपकी बॉडी को एक दोस्त की तरह, और आपका इम्यून सिस्टम काम करता है आपके खून में प्रेजेंट आपके ब्लड के सेल्स के ऊपर, आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट आपके ब्लड सेल्स, बैक्टीरियाज, वायरस और जितने भी कोल्ड फ्लू के सीजन में आपके अंदर आने वाले वायरसेस हैं. बेसिकली मोस्टली दे आर वायरसेस, मोर देन 200 टाइप्स ऑफ वायरसेस, उनके खिलाफ एक्ट करता है. और यहाँ पर जो WBCs है, वाइट ब्लड सेल्स है, वो मेन होते हैं, लिम्फोसाइट्स. देन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन ये सिंपल नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और इतनी सारी गलत इंफॉर्मेशन है बाहर यहाँ इंटरनेट पे कि पूछो मत. दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर दिस, राइट? सो क्या सच है, क्या झूठ है, आइए देखते हैं. एक चीज़ लोग कहते हैं कि अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा. क्या ये सच है, ये झूठ है? इट्स अ फैक्ट, यस, ये सच है. जो आपके दादी माँ माँ बाप कहते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल खाइए, स्टडीज में भी ये देखा गया है, जो लोग ज़्यादा लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं वो कम बीमार होते हैं, या ये देखा गया है जो लोग ज़्यादा तेज़ी से बीमार होते हैं वो ज़्यादातर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नहीं खाते होते. तो व्हाट डज इट से कि आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खाते इसलिए आपको हो रहा है आपके लेटेस्ट जो फ्लूज और कोल्ड हो रहे हैं, वन ऑफ द बिग रीजन. सो आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनके अंदर प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए अपने इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो फाइट कर सकें बैक्टीरियाज एंड वायरसेस को. सेकेंड बिग थिंग, नॉट गेटिंग इनफ स्लीप हैज नो इफेक्ट ऑन योर इम्यून सिस्टम. लोग कहते हैं कि मोदी जी तो 4 घंटे सोते हैं, है ना, मोदी जी और बाकी सारे दुनिया में पता नहीं कितने लोग हैं जो 2 घंटे सोते हैं. एलिमेंट्री के शर्लॉक होम्स जो हैं वो तो सोते ही नहीं थे, वो तो कहते सोता ही नहीं है. सो इज़ इट ट्रू कि इम्यून सिस्टम अगर आप नहीं सोएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा? नहीं, ये गलत है, ये मिथ है. बहुत ज़्यादा बड़ा इफेक्ट आता है अगर आप सही से नहीं सोएंगे. देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन योर हेल्थ एंड योर हेल्दी इम्यून सिस्टम एंड योर स्लीप, राइट? बट स्लीप क्या करेगी, कोई भी स्लीप की बात नहीं हो रही यहाँ पे. यहाँ पे बात हो रही है रिस्टोरेटिव स्लीप, मीनिंग इतनी नींद जिससे आपकी बॉडी वापस फाइटिंग शेप तक आ जाए, उस तरीके की रिस्टोरेटिव स्लीप इंपॉर्टेंट है. दैट मीन्स आपको चाहिए 8-9, यानी 7-9 hours की स्लीप. अगर उसको मैं डिवाइड करना चाहूँ, ज़्यादातर लोगों को 7-9 चाहिए. अगर आप टीनेज ग्रुप में आते हो तो टीन्स को 9-10 hours की चाहिए, और स्कूल जाने वाले बच्चों को 10 hours की स्लीप चाहिए. प्री स्कूल वाले जो छोटे, प्री स्कूल में जो और भी छोटे हैं, उनको 11-12 hours की, और जो न्यू बॉर्न्स हैं उनको 16-18 hours की नींद चाहिए, जस्ट कि उनका इम्यून सिस्टम सही रहे. अगर वो नहीं सो रहे किसी भी कारण से, इम्यून सिस्टम कम काम करेगा, दिक्कत होगी. कई सालों से, कई रिसर्च में ये बताया गया है कि अगर आप एवरेज टाइम अपना नींद का 7 घंटे से नीचे लेके आएंगे तो आपकी बॉडी को उतना रेस्ट, उतना रिजुविनेशन नहीं मिलेगा जो उसको मिलना चाहिए. और बॉटम लाइन है भाई, 7 घंटे से ज़्यादा सोना है, ख़त्म, राइट? नहीं तो इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, राइट? सो थर्ड मिथ क्या है, लोग कहते हैं खुश रहो, पॉजिटिव एटीट्यूड इज हेल्दी,
पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या करेगा? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड इज हेल्दी, एक्चुअली इट्स अ फैक्ट, इट्स अ गुड आउटलुक कि आप जितना खुश होंगे उतना आपका इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी के सेल्स एक्चुअली ज़्यादा एक्टिवली काम करते हैं। दैट्स अ फैक्ट, इट्स प्रूवन मेनी टाइम्स। आप बेहतर फील करेंगे, आप बेहतर दिखेंगे, आप ब्राइट दिखेंगे और इलनेसेस भी, बीमारियां भी आपको होंगी बिल्कुल लिटरली कम। सो दैट इज़ वन गुड थिंग यू कैन डू। सो सैड रहना, उदास रहना का जो काम है, जो आप करते हो कई बार, सैड सॉन्ग्स, उदासी वाले, रोने धोने वाले काम, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, कुछ किसी ने छोड़ दिया, कोई भी नहीं, कुछ एग्जाम नहीं पास हुआ एंड यू आर सैड, आप बीमार होने की तरफ जा रहे हो, रिमेंबर दैट। सो देन एक और चीज़ है, लोग कहते हैं खांसी आ रही है, कोल्ड कफ है, खांसी आ रही है, तो कवर योर माउथ व्हेन यू आर कफिंग, और इससे क्या होगा, जर्म्स जो है फैलेंगे नहीं, आप बिल्कुल सेफ रखोगे दुनिया को। एक्चुअली ये फैक्ट है, लेकिन पार्शियल फैक्ट है। क्यों पार्शियल फैक्ट है? अगर आप माउथ, जब भी आप स्नीज करते हो, खांसी करते हो या इवन बात करते हो, और आप उससे बात कर रहे हो जिसको फ्लू है या आपको फ्लू है, तो आप बात करते हुए भी आप वो फ्लू के वायरस के ड्रॉपलेट्स हवा में उड़ा सकते हो। खांसी करना, छींकने से ऑब्वियसली ड्रॉपलेट्स उड़ जाते हैं हवा में और ऐसे फैल जाते हैं सब जगह, तो वो ड्रॉपलेट्स जो जितने आसपास के लोग हैं उनको जाएंगे, तो क्राउडेड प्लेस में आपको आराम से हो जाएगा और ये जा सकते हैं 2 से 3 फीट तक, दूर दूर तक जा सकते हैं, 2 से 3 फीट दूर तक, और गिर सकते हैं, वो थोड़ा पास रहना। इसलिए आपको माउथ को कवर करना है, लेकिन हैंड इज़ नॉट द बेस्ट थिंग टू यूज़ टू कवर योर माउथ, बिकॉज आपने हाथ छू करके जब हाथ लगा दिया नीचे कहीं पर भी, तो वहाँ पर आपके वापस वायरसेस, जर्म्स आ जाएंगे। सो दिस इज़ नॉट द बेस्ट थिंग टू डू, यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू डू this, you, that's one of the best safer place which you can, which is better, yeah, usse zyada safe hai handkerchief ya tissue paper, khansi aur phek dijiye kahan, dustbin mein, and then wash your hands, wo sabse safe hota hai, that is the way to go। tabhi ye choti choti cheeze aapko nahi pata, isiliye aapko ho raha hai bar bar bimariyan, right। phir log bolte hain supplements khao, supplements can make you feel better, that's a myth, बिल्कुल खरत गलत बात है। ऐसा नहीं है कि एक एंटीबायोटिक और ये डेली वाला सप्लीमेंट और वो डेली वाला सप्लीमेंट मैं ले रहा हूँ इसलिए मैं बीमार नहीं होता, जी नहीं। टेकिंग अ डेली मल्टीविटामिन इज एक्चुअली अ गुड आइडिया टू स्टे हेल्दी इफ यू डोंट ईट प्रॉपरली। अगर आप खाना सही से नहीं खाते तो ज़रूर आपको एक मल्टीविटामिन रोज चाहिए, लेकिन अगर आप सही से खाना खाते हो तो बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है विटामिन्स की, मिनरल्स की। तो इट्स ऑल बॉइल्स डाउन टू फूड। अगर आप खाना नहीं खा रहे हो तो वो चाहिए, वो खाना खा रहे हो तो वो नहीं चाहिए, राइट। तो ये मिथ है कि वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ इम्यून सिस्टम का वो देगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। फिर लोग बोलते हैं कि बच्चों को सप्लीमेंट चाहिए हेल्दी इम्यून सिस्टम बनाने के लिए, जी नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों को, छोटे बच्चों को चाहिए होता है विटामिन डी और आयरन, जो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं उस पर यूट्यूब पे, और विटामिन्स जो होते हैं मिनरल्स बच्चों के लिए भी मैटर करते हैं, लेकिन उनको वो मिलने चाहिए खाने पीने से, राइट। सप्लीमेंट ज़रूरी नहीं है, आयरन कैल्शियम भी उनको खाने पीने से मिल सकते हैं अगर आप उनको दें तो। अगर वो खाना नहीं खा रहे हैं, वो चूस कर करके खा रहे हैं, नहीं ये खाऊंगा, नहीं वो खाऊंगा, तब ज़रूर आपको ज़रूरत पड़ेगी कि भाई हाँ उनको कुछ विटामिन दे, लेकिन वरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर लोग बोलते हैं कि अगर बच्चों के केस में, बात एक बहुत अच्छी याद आई, बच्चों के केस में कहते हैं कि बच्चों का जो पेसिफायर होता है अगर आप उसको सक करेंगे, राइट, तो उनको कम एलर्जी होगी, दे इट विल मेक हिम लेस लाइकली टू डेवलप एलर्जीज इफ़ यू आर सकिंग ऑन द बेबीज पेसिफायर। दिस इज एक्चुअली अ फैक्ट, जी हाँ, बिकॉज एक्चुअली क्या होता है, व्हेन यू आर सकिंग एंड देन बिफोर यू गिव इट टू योर माउथ, एक बार सक लिए तो क्या होता है, रिसेंट स्टडीज़ क्या बताती है कि आपको, स्टडीज़ बताती है कि वो बच्चे को एलर्जीज होने के रिस्क होते हैं। वो देखा जाता है कि इन्फेंट में जो माँ, जो आपके सलाइवा है उसके जो गुड बैक्टीरियाज, गुड जर्म्स हैं वो, या थोड़े बहुत बैक्टीरिया है, वो इन्फेंट के अंदर चले जाते हैं और वो बेबी का इम्यून सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो ये एक चीज़ जो देखी गई है, बट वी नॉट रिकमेंडिंग दैट, बट देन दिस इज़ व्हाट इज सीन। फिर लोग एक्सरसाइज के बारे में भी बोलते हैं कि एक्सरसाइज
का इम्यून सिस्टम से कोई इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल बकवास मिथ है, राइट। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन एक्सरसाइज एंड इम्यूनिटी और हेल्दी रहना इम्यून सिस्टम का, बट देर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, ब्लड प्रेशर, बॉडी वेट, बॉडी डिजीजेज, डायबिटीज, इतनी सारी चीज़ें कंट्रोल में रहती है कि योर चांसेस ऑफ गेटिंग सिक इटसेल्फ डिक्रीजेज। तो इम्यून सिस्टम की ही हेल्प होती है। एक्सरसाइजिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। सीनियर सिटीजन को भी ये सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, और सीनियर सिटीजन को भी नींद अपनी पूरी करनी चाहिए, चाहे टुकड़ों टुकड़ों में हो, एटलीस्ट 7 आवर्स की नींद पूरी करनी जरूरी है। दैट्स द मैसेज यू शुड टेक फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट। थैंक यू सो मच, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, और सवालों के जवाब देने की हम हमेशा से कोशिश करते हैं। राइट, थैंक यू।